ए मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कहने को है बाइकर लेकिन ऐसे तुम कर तू जरा सितम कर दे आ जा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म। बोला भाई बोल भाई टोरी बाट बगद पिया भागी यादों में उसके ख्वाबों में चुमे जिया रे जिया रे ओ क्रेजी वे जिया बिंदे चुके से इंडियन आइडल 15 का दोस्तों आज दूसरे दिन का ऑडिशन राउंड से टेलीकास्ट कर दिया गया, जिस दौरान कि हमें कुल 8 परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं और ये सभी के सभी सिलेक्टेड कंटेस्टेंट हैं दोस्तों, जिसमें कि एक कंटेस्टेंट प्लैटिनम माइक मिली है और सीधा वो टॉप 15 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो कौन से कंटेस्टेंट किस गाने पर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं और किस तरीके से उनका सिलेक्शन हुआ है, इन सारी बातों को आज अपने इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, जो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जानते हैं इंडियन आइडल 15 के सेकेंड डे के ऑडिशन राउंड, जिस दौरान में कि पहला परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुणे महाराष्ट्र से चैतन्या देवदेव मौली, इन्होंने की नमस्ते लंदन इस मूवी का गाना परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं दोस्तों। मैं जहां रहूं बेहद ही शानदार और टचिंग सा इनका यह परफॉर्मेंस था, जिसे कि हमारे सभी जजेस ने बेहतरीन तरीके से अप्रिशिएट किया है और चैतन्या ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए सबों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं और गोल्डन टिकट मिल चुकी है। दूसरे कंटेस्टेंट कोलकाता से मानसी घोष, बेहद ही शानदार और खूबसूरत सा इनका परफॉर्मेंस था दोस्तों, जहाँ की इन्होंने धूम टूम इस मूवी का गाना उन्होंने परफॉर्म किया है क्रेजी किया रे, बेहद ही शानदार और बेहतरीन सीन की गायकी थी, जिसे कि सबों ने जम के अप्रिशिएट किया है। खास करके श्रेया मेमन की दीवानी बनती हुई नजर आई हैं और गोल्डन टिकट देकर इनका भी सिलेक्शन कर लिया गया है। तीसरे कंटेस्टेंट मथुरा यूपी से आए हुए आयुष्मान चौधरी, जिन्हें की पहले तो रोक दिया गया था, बाद में दूसरा मौका इन्हें दिया गया है, जहाँ की पहले उन्होंने पहले भी मैं इस गाने को परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे कि विशाल ददलानी जी ने रोक दिया था और उसके बाद मैंने दूसरा मौका दिया गया था, जो कि इन्होंने कुर्बान मूवी के गाने को परफॉर्म किया है जीने जरा, और इस गाने पर बेहतरीन सी परफॉर्मेंस इनकी देखने को मिली है और उसके बाद में गोल्डन टिकट मिला है इन्हें और अगले राउंड के लिए यह भी सेलेक्ट कर लिए गए हैं। तो वही चौथा परफॉर्मेंस कोलकाता से आए हुए प्रियांशु दत्ता, बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग सीन की परफॉर्मेंस थी दोस्तों, जिन्होंने की तो झूठी मैं मक्कार इस मूवी का गाना परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं ओ बेदर्दिया, बेहद ही माइंड ब्लोइंग सीन की परफॉर्मेंस थी, जिसे कि हमारे सभी जजेस ने जम के अप्रिशिएट किया है। गोल्डन टिकट देकर इन्हें भी सेलेक्ट कर लिया गया है, जहाँ की श्रेया मैम यह बोलती हुई नजर आई है कि यह इस सीजन का विनर भी हो सकता है, तो बहुत बड़ी बात इनके लिए बोली गई है दोस्तों। तो वही पांचवा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए गुवाहाटी आसाम से मिश्मी बोस, जो कि पिछले सीजन में भी आई थी दोस्तों, जहाँ की इस सीजन में वह सेलेक्ट होने में कामयाब रही हैं। हम दिल दे चुके सनम इस मूवी के टाइटल सॉन्ग को परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं दोस्तों, जहाँ की इनकी परफॉर्मेंस पर बादशाह तो मानो फिदा ही हो जाते हैं और जमकर इनके परफॉर्मेंस की तारीफें की गई हैं और मिश्मी ने भी शानदार तरीके से अपने इस गाने को प्रेजेंट करती हुई नजर आई है और गोल्डन टिकट मिला है इन्हें भी और अगले राउंड के लिए इनका भी सिलेक्शन कर लिया गया है। तो वही छठे कंटेस्टेंट कोलकाता से ही प्रतिभा दत्ता, जिन्होंने की तलाश मूवी का गाना परफॉर्म किया है दोस्तों कर ले प्यार, इस गाने के ऊपर में इनकी बेहतरीन सी सिंगिंग देखने और सुनने को मिली है, जहाँ की बेहतरीन अंदाज में इन्होंने पेश भी किया था और हमारे जजेस ने भी इनके परफॉर्मेंस के जमकर तारीफें की हैं और गोल्डन टिकट देकर इनका भी सिलेक्शन कर लिया गया है। तो वही सातवें कंटेस्टेंट भुवनेश्वर ओडिशा से आए हुए इप्सित पति, जिन्होंने की बेहतरीन और माइंड ब्लोइंग सी परफॉर्मेंस करके समय ही वहां का बदल दिया है, कबीर सिंह इस मूवी का गाना उन्होंने परफॉर्म किया है कैसे हुआ, लाजवाब और आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस थी दोस्तों, जिसे सुनकर हर कोई अप्रिशिएट करता हुआ नजर आया है। गोल्डन टिकट इन्हें भी दी गई है और इनका भी सिलेक्शन कर लिया गया। तो वही आठवें और आखिरी कंटेस्टेंट मयूरी साहा कोलकाता से ही आई हुई थी दोस्तों, जिन्होंने की क्लासिकल परफॉर्मेंस करके तो मानो वहां का रंगमंच ही हिला डाला हो, बेहद ही शानदार और खूबसूरत सीन की परफॉर्मेंस थी,
सत्यम शिवम सुंदरम इस मूवी के गाने को वो परफॉर्म करती हुई नजर आई हैं भोर भय पनघट पे। लाजवाब सी इनकी परफॉर्मेंस थी, जहां की श्रेया में दौड़ती हुई इनके परफॉर्मेंस के दौरान में गले से लगा लेती हैं। प्लेटिनम माइक देकर इनका सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों, जहां की टॉप 15 में सेलेक्ट डायरेक्ट ये हो जा रही हैं और ये दूसरी कंटेस्टेंट बनी है जिनका की सिलेक्शन टॉप 15 में हुआ है, जिसे की प्लेटिनम माइक दिया गया है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देगा कि आज के इन सभी 8 परफॉर्मेंस में से आपको किस कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगा है, जिन्होंने की अपनी गायकी से आपका दिल जीता हो, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और इंडियन आइडल 15 के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रभात जागरण।